बीजेपी का देश भर में आज से फिर सदस्यता अभियान होगा शुरू। पीएम मोदी बनेंगे पहले सदस्य, जेपी नड्डा दिलाएंगे सदस्यता। सदस्यता अभियान की शुरुआत के मौके पर बीजेपी मुख्यालय के एक्सटेंशन दफ्तर में कार्यक्रम का आयोजन, पीएम मोदी करेंगे संबोधित। बीजेपी के सदस्यता अभियान में मौजूदा कार्यकर्ताओं को भीड़ से लेनी होगी सदस्यता, हर 5 से 6 साल में होती है प्रक्रिया। आज से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का होगा मेगा सदस्यता अभियान, 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य। सीएम योगी ने वाराणसी में बीजेपी सदस्यता अभियान को किया संबोधित, कहा जाति धर्म और भाषा कुछ भी देश से बड़ा नहीं। ओडिशा में कल से शुरू होगा बीजेपी सदस्यता अभियान, मनमोहन सामल बोले घर घर जाकर युवाओं को जोड़ेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान के घर ईडी की रेड, वक्फ बोर्ड केस में सर्च वारंट लेकर तलाशी के लिए पहुंची टीम। अमानतुल्ला खान ने वीडियो जारी कर कहा, ये लोग मुझे और मेरी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे कि मैं शर्मिंदा रहूं। अमानतुल्ला के घर ईडी की टीम पहुंचे पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का ट्वीट, लिखा अमानतुल्ला के खिलाफ कोई सबूत नहीं, मोदी की तानाशाही और ईडी की गुंडागर्दी दोनों जारी। अमानतुल्ला खान को लेकर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, अगर चोरी और अपराध किया तो जवाब तो देना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी में एक लंबी जमात अपराधियों को और भ्रष्टाचारियों की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर वर्जन का किया निरीक्षण, कहा 3 महीने बाद स्लीपर वर्जन में लोग कर सकेंगे यात्रा। वंदे भारत के स्लीपर वर्जन में ऑक्सीजन और टेम्परेचर का लेवल वैज्ञानिक तरीके से होगा मेंटेन, वायरस की रोकथाम के फीचर हैं शामिल। ट्रेन ड्राइवर्स के लिए उनके ही चैम्बर में टॉयलेट बनाए गए, कोच अटेंडेंट के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई। मणिपुर में एक बार फिर भड़की हिंसा, एक महिला समेत 2 की मौत जबकि कई लोग जख्मी। हरियाणा के चरखी दादरी में 8वें आरोपी की आज कोर्ट में पेशी होगी, गिरफ्तारी के बाद कल 1 दिन की रिमांड पर भेजा गया था। हरियाणा के चरखी दादरी की घटना पर बोले राहुल गांधी, नफरती तत्व फैला रही हिंसा, बीजेपी सरकार में खुली छूट। बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने फिर किया अटैक, 3 साल के मासूम को बनाया शिकार, कई मौत हुई, एक बुजुर्ग महिला पर हमला भी किया। बहराइच के मंगलपुर में मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह ने भेड़िया तलाशी अभियान का लिया जायजा, बोले ड्रोन लगातार उड़ाए जा रहे हैं, हमने 4 भेड़ियों को पकड़ा, 2 बाकी। मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह ने कहा, हम जल्द से जल्द उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बाहर नहीं आने की अपील। सोमवती अमावस्या के मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। सोमवती अमावस्या पर अहमदाबाद के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, सोमनाथ महादेव मंदिर में भक्तों ने की पूजा। कर्नाटक के कलबुर्गी में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात, स्कूल कॉलेज बंद, लोगों की परेशानी बढ़ी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बारिश से बिगड़े हालात, जगह जगह भरा पानी, कई गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं।